हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्वी ऑटो कार में। आज मेरे सामने है द ऑल न्यू 2022 में पेश होने वाली टोयोटा की तरफ से आने वाली टोयोटा ग्लैंजा, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विद 5 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आज मेरे सामने अवेलेबल है। एंड ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं वो है वी वेरिएंट, जो कि टॉप वेरिएंट है, जिसका आज मैं एक डिटेल रिव्यू ब्लॉग शूट करने वाला हूं, क्योंकि इस कार के अंदर आप लोगों को बहुत से न्यू फीचर्स, फंक्शंस, न्यू स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस कार का जो इंटीरियर है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया है। एंड जो सेफ्टी है वो भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, वो भी बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट माइलेज के साथ में। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल एंड लुक से। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में क्रोम फिनिशिंग के साथ में टोयोटा का लोगो देखने को मिलता है एंड फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिलती है उसी के नीचे। फ्रंट में जो आपको ग्रिल देखने को मिलती है वो पूरी क्रोम गार्निश के साथ में आती है और बहुत ही प्रीमियम लगती है देखने पर। एंड फ्रंट ग्रिल के नीचे आपको लोअर ग्रिल भी देखने को मिल जाती है, जो कि फाइबर बॉडी की आती है। हनीकॉम पैटर्न को यूज़ किया गया है, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। एंड कार्बन फाइबर का भी टेक्सचर देखने को मिल जाता है एक स्किड प्लेट के साथ में, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया है। दोस्तों अब चलते हैं हेडलाइट सेटअप की तरफ। तो इस कार में कंपनी ने प्रोवाइड किया है LED हेडलाइट सेटअप को पूरा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं आपको, एंड प्रोजेक्टर लैम्प के साइड में आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है जो कि हेलोजन बेस है। एंड नीचे साइड पूरी DRL देखने को मिलती है। एंड हेडलाइट के अंदर आपको क्रोम फिनिशिंग विद पियानो फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। हेडलाइट के नीचे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग देखने को मिलती है जो कि LED है। एंड क्रोम गार्निश भी देखने को मिल जाती है कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ में। एंड ये पियानो फिनिशिंग साइड में यूज़ की गई है, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। टूइंग हुक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में। एंड अब चलते हैं बोनेट एरिया के ऊपर साइड में। तो यहाँ पर आपको डुअल वाइपर देखने को मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में, एंड वॉशर्स के भी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। एंड अब मैं आपको एक बार इस कार का बोनेट एरिया दिखा दूँ, जो कि कुछ इस प्रकार का है, जिसके ऊपर आपको डुअल कट्स एंड डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। एंड अगर बात करें इस कार की फ्रंट से विड्थ के बारे में, चौड़ाई के बारे में, जो कि है 1745 mm की अच्छे खासी विड्थ एंड चौड़ाई के साथ में ये कार आती है। एंड अब चलते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल की तरफ और देख लेते हैं साइड से इस कार के लुक्स को कैसे देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के आपको साइड से पूरी प्रोफाइल एंड लुक्स देखने को मिल जाती है, जो कि आई कैची है। एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। तो इस कार में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपोलो की तरफ से आते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड अगर टायर्स एंड व्हील्स के साइज़ की बात करें तो 195x55 18 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। एंड मिडल में टोयोटा का लोगो यूज़ किया गया है। एंड अगर फ्रंट में फेंडर पे आप देखेंगे तो डिज़ाइंस आपको देखने को मिल जाती है व्हील्स के ऊपर। फेंडर पे ही क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है। एंड ये बॉडी कलर्ड ORVM यूज़ किए गए हैं, जो कि ऑटो फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं। एंड इसी में आपको LED टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। नीचे साइड आपको कैमराज देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों साइड्स पे यूज़ किए गए हैं। एंड अगर ए व्हीलर की बात करें तो आपको पूरा मैट ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। एंड डोर विंडो पे आपको क्रोम गार्निश पूरी देखने को मिलती है, जो कि फ्रंट से लेकर रियर तक गई है। क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल्स यूज़ किए गए हैं रिक्वेस्ट सेंसर्स के साथ में। बी व्हीलर भी आपको पूरा ब्लैक आउट देखने को मिलता है। बैक साइड में क्वार्टर विंडो देखने को मिलता है, जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है। क्रोम गार्निश को यूज़ किया गया है। एंड अगर बात करें इस कार के फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पर आपको 37 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस कार का डायमेंशन बता दूं, तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3990 mm की, 4 मीटर के अंदर आती है ये कार। एंड हाइट की बात करें तो 1500 mm की हाइट है। व्हील बेस 2520 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे खासे व्हील बेस के साथ में आती है। एंड जो ट्रैवलिंग सस्पेंशन है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की तरफ। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि रियर प्रोफाइल आपको सही से देखने को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ। ऊपर साइड आप देखेंगे रूफ पर तो पावर एंटीना देखने को मिलता है, स्पॉयलर देखने को मिलता है, बॉडी कलर्ड है, हाईमोस्ट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है, स्पॉयलर में अटैच्ड है। एंड नीचे साइड डिफॉगर का पूरा सिस्टम यूज़ किया गया है। वाइपर देखने को मिल जाते हैं मैट ब्लैक फिनिशिंग में। एंड रियर साइड में भी आपको पूरी क्रोम गार्निश देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रही है देखने पर। एंड इसी में ही आपको रियर का कैमरा भी देखने को मिल जाता है। टोयोटा का लोगो क्रोम फिनिशिंग में यूज़ किया गया है। एंड लेफ्ट साइड में ग्लैंजा की बैजिंग देखने को मिलती है क्रोम फिनिशिंग में। एंड सेकंड साइड आप देखेंगे तो वेरिएंट की बैजिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये वी वेरिएंट है ऑटोमेटिक का। दोस्तों इस कार में आपको जो टेल लाइट देखने को मिलती है वो LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्यारी ब्लिंक करती है नाइट के टाइम पर। एंड ग्लॉसी रेड फिनिशिंग भी आपको देखने को मिल जाती है।
जिससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। एंड नीचे साइड आपको डुअल रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग को भी यूज़ किया गया है कवरिंग के तौर पर। एंड ये पूरा रियर का बम्पर एरिया है जिसके ऊपर आपको रियर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 पॉइंट के साथ में आते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओवरऑल रियर का जो प्रोफाइल है वो आपको बहुत ही स्पोर्टी आई कैची देखने को मिलता है प्रीमियम फिनिशिंग के साथ में और बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। एंड अब आ जाते हैं सेकंड साइड प्रोफाइल की तरफ, तो सेकंड साइड भी आपको सेम फर्स्ट प्रोफाइल के जैसे ही पूरे लुक्स देखने को मिलते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 9,99,900 रुपये के अप्रॉक्स में, और जो लखनऊ का ऑन रोड प्राइस है वो है 11,36,997 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड इस कार के साथ में आपको कुछ ऐसी की देखने को मिलती है जो कि रिमोट की के साथ में आती है, टोयोटा की ब्रांडिंग है, लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है। एंड अब चलते हैं इस कार के फ्रंट टू केबिन में और देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओपन करते हैं ड्राइवर साइड डोर को एंड देख लेते हैं डोर ट्रिम को पूरी, तो कुछ ऐसी आपको डोर ट्रिम देखने को मिलती है जो कि हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ में आती है टेक्चरेटेड। नीचे साइड आप देखेंगे तो सॉफ्ट टच भी देखने को मिल जाता है एंड पीच फिनिशिंग भी देखने को मिलती है सॉफ्ट टच के साथ में, बहुत ही प्रीमियम है। हैंड ग्रिपर है एंड ये आपको सभी कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं, सेंटर लॉकिंग पावर विंडो एंड ORVM के पूरे कंट्रोलर्स हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलती है एक प्रीमियमनेस के लिए। ऊपर साइड क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। ट्विटर का भी ऑप्शन यूज़ किया गया है विंडो में ही। एंड नीचे साइड आप देखेंगे तो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, बॉटल होल्डर का स्पेस है एंड अलग से भी थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डोर ट्रिम आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की देखने को मिल जाएगी। एंड अब देख लेते हैं फ्रंट रो केबिन को, तो कुछ ऐसा आपको फ्रंट रो केबिन देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें सीट की तो फैब्रिक अपहॉस्ट्री के साथ में डुअल टोन फिनिशिंग को यूज़ करते हुए इस कार की सीट आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट है। अच्छा खासा आपको थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा खासा थाई सपोर्ट है। एंड बूस्टर भी बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल है, बैठने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है, सपोर्टर भी अच्छा खासा है। एंड एडजस्टमेंट के साथ में आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के, सीट को एडजस्ट करने के लिए लीवर्स देखने को मिल जाते हैं एंड आगे साइड रोलर है जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। एंड ड्राइवर साइड में पैडल्स देखने को मिलते हैं, बोनेट ओपन करने का, फ्यूल टैंक ओपन करने का लीवर देखने को मिल जाता है एंड ये थोड़ा सा स्पेस यूज़ किया गया है। एंड ये सारे स्विचेस देखने को मिलते हैं जिसमें हीट अप डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोलर, हेडलाइट के कंट्रोलर्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन एंड ये सभी स्विचेस यूज़ किए गए हैं। एंड उसके ऊपर आप देखेंगे तो AC वेंट देखने को मिलता है विथ पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहा है देखने पर। तो कुछ ऐसा आपको पूरा सिस्टम देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अब चलते हैं इस कार के फ्रंट रो केबिन के अंदर, बैठते हैं और वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं फीचर्स को। तो बैठ जाते हैं कार के अंदर एंड डोर को करते हैं क्लोज, तो कुछ ऐसा आपको पूरा इंटीरियर देखने को मिलता है फ्रंट रो केबिन का। एंड अब मैं आपको इस कार की स्टीयरिंग व्हील दिखा दूं, जो कि कुछ इस प्रकार की है, 3-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील के साथ में आता है। एंड नीचे आपको फ्लैट बॉटम एरिया देखने को मिलता है, सॉफ्ट टच कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। ब्लैक पियानो फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है एक प्रीमियमनेस के साथ में और बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आती है। क्रोम फिनिशिंग में टोयोटा का लोगो है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो म्यूज़िक कंट्रोलर, टेलीकॉलिंग के पूरे कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं वॉइस कमांड के साथ में। एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोलर्स पूरे देखने को मिलते हैं। एंड अब और भी कंट्रोलर्स देख लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के पूरे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं एंड राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं विद इंडिकेटर के साथ में। दोस्तों अब चेक कर लेते हैं इस कार की स्टीयरिंग व्हील कैसी देखने को मिलती है, तो पहले मैं अनलॉक कर लेता हूँ। एंड ये केवल आपको टिल्ट देखने को मिलती है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है और ये बहुत ही स्मूथली टिल्ट कर रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। एंड अब देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर का कम्बिनेशन देखने को मिलता है न्यू फीचर्स एंड न्यू फंक्शंस के साथ में। तो पहले मैं कार को करता हूँ स्टार्ट स्टॉप बटन से स्टार्ट एंड उसके बाद देखता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सही से। तो स्टार्ट होने के बाद में कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। एंड राइट साइड में आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है जिसकी मैक्स स्पीड है 220 की। मिडिल में MID स्क्रीन है एंड लेफ्ट साइड में RPM मीटर देखने को मिलता है। स्पीडोमीटर पे सभी इग्निशंस आपको देखने को मिलते हैं फ्यूल इग्निशंस के साथ में। एंड MID स्क्रीन पे आपको गियर पोजीशन, डिजिटल क्लॉक, टेम्परेचर, रेंज, ट्रिप मीटर, ये सभी के इग्निशंस देखने को मिलते हैं। एंड लेफ्ट साइड में RPM लिमिट का इग्निशन है जिसमें आपको टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है। एंड मीटर कंसोल को एडजस्ट करने के लिए 2 स्ट्रोक के बटन है जिसको प्रेस करके आप अपने हिसाब से ट्रिप मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, KMPL देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं, ये सभी आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही अच्छा है।
एंड अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो कुछ इस प्रकार का आपको पूरा सेंटर कंसोल देखने को मिलता है प्रीमियम फिनिशिंग के साथ में। दोस्तों ये है इस कार का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो कि वॉइस असिस्टेंट के साथ में आता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर एंड डुअल ट्विटर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एंड ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के दोनों ही सिस्टम को। साथ ही साथ आपको इसी में सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती हैं, जो कैमराज के सिस्टम है वो भी आपको इसी में देखने को मिलती है। ब्लूटूथ नेविगेशन भी आप देख सकते हैं इसी में, और जो टच रिस्पॉन्स है वो भी आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाता है एक प्रीमियम रेस के साथ में। डिस्प्ले के नीचे साइड देखेंगे तो एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं डुअल, जो कि सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आते हैं और बहुत ही प्रीमियम लगते हैं देखने पर। मिडल में हज़ार लाइट का स्विच है एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। उसी के नीचे ऑटोमेटिक एसी के पूरे कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आते हैं। एंड एसी कंट्रोलर्स के नीचे आपको 12V का शॉकेट देखने को मिल जाता है, यूएसबी शॉकेट देखने को मिलता है एंड थोड़ा सा स्पेस यूज़ किया गया है, डुअल कप होल्डर का स्पेस यूज़ किया गया है। एंड बैक साइड में आप देखेंगे तो 5 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि लेदर रैप्ड है एंड सिल्वर फिनिशिंग को यूज़ किया गया है। एंड साइड में आपको मोड देखने को मिलते हैं R&DM मैनुअल के लिए एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है सराउंडिंग गियर लीवर के, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड बैक साइड में हैंड ब्रेक देखने को मिलती है, उसी के पीछे ड्राइवर साइड के लिए आर्मरेस्ट यूज़ किया गया है, जो कि ओपन भी हो जाता है एंड अच्छा खासा स्पेस भी है इसके अंदर। एंड अब चलते हैं डैशबोर्ड एरिया की तरफ इस कार के। तो कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड एरिया देखने को मिलता है डुअल टोन फिनिशिंग में, हार्ड फाइबर प्लास्टिक को यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर स्पेस है जो कि हीड अप डिस्प्ले के लिए है एंड नीचे साइड बटन है जिससे हीड अप डिस्प्ले ओपन हो जाता है। एक्चुअली ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप डैशबोर्ड में ही देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रही है देखने पर एंड अच्छा लुक दे रही है। लेफ्ट साइड में एसी वेंट है, नीचे साइड आप देखेंगे तो ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है अच्छे खासे स्पेस के साथ में। एंड इसको क्लोज कर देता हूँ और चलता हूँ इंटीरियर रूफ की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाते हैं फीचर्स। तो ये आपको ऑटोमेटिक IRVM देखने को मिल जाता है, डे एंड नाइट का रीडिंग लाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि LED हैं, डुअल रूफ माइक देखने को मिलते हैं, को पैसेंजर साइड में आपको वैरिटी मिरर देखने को मिलता है विथ लाइट के साथ में, एयरबैग की बैजिंग है पैड्स पर एंड ड्राइवर साइड में भी आपको वेरिटी मिरर देखने को मिल जाता है विथ लाइट के साथ में। एंड अब मैं आपको इस कार की सेफ्टी बता दूं तो इस कार में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, ABS EBD के सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से सेफ्टी करते हैं एंड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ओवरऑल कार के फ्रंट रो केबिन में आपको सभी प्रकार के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, प्रीमियम नेस देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ सेफ्टी भी देखने को मिल जाती है। नो डाउट कार बहुत ही अच्छी है। एंड अब चलते हैं कार के बाहर एंड कार को करते हैं ऑफ और देख लेते हैं सेकंड रो केबिन में क्या क्या फीचर्स कंपनी प्रोवाइड करती है इस कार के साथ में। तो करते हैं डोर को ओपन एंड कुछ ऐसा आपको फ्रंट रो के जैसे ही पूरा डोर ट्रिम एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी को यूज़ किया गया है टेक्चरेटेड एंड नीचे सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, पीच फिनिशिंग देखने को मिल जाती है सॉफ्ट टच के साथ में, हैंड ग्रिपर है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, पावर विंडो के कंट्रोलर्स हैं, क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल्स हैं, नीचे स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, बॉटल होल्डर का स्पेस है एंड थोड़ा सा स्पेस यूज़ किया गया है। ओवरऑल सेकेंड रो केबिन का भी डोर ट्रिम बहुत ही अच्छा है एंड ये पूरी सेकेंड रो केबिन देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लैक फैब्रिक अपॉस्ट्री के साथ में आती है, डुअल टोन फिनिशिंग को यूज़ किया गया है एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट को यूज़ किया गया है, अच्छा खासा स्पेस भी है बैठने के लिए पैसेंजर के लिए। एंड ये बूस्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, एडजस्टमेंट के साथ में हेडरेस्ट है, सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है, आर्मरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इस कार में। एंड ये डोर ट्रिम है सेकेंड साइड की, हैंड ग्रिपर है, सेकेंड रो में भी आपको रीडिंग लाइट देखने को मिलती है एंड नीचे साइड आप देखेंगे तो एसी वेंट्स देखने को मिल जाती हैं। माफ़ कीजिएगा आप लोगों को थोड़ा सा ब्लैक देखने को मिल रहा होगा क्योंकि लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी। एंड ये अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा सेकेंड रो केबिन में, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बैक साइड में आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि अभी मैं रियर साइड से चल के आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो डोर को करता हूँ क्लोज एंड चलता हूँ रियर साइड में, बूट स्पेस को आपको मैं दिखा दूँ तो बटन को स्विच करके ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको 318 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे खासे बूट स्पेस के साथ में आता है। कंफर्टेबली आप यहाँ पर लगेज को कैरी कर सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं। नीचे आपको एंड इस पैड को उठाएंगे तो आपको इसके नीचे स्टेपनिंग व्हील देखने को मिल जाती है विद टूल किट के साथ में एंड यहाँ पर हुकर्स भी यूज़ किए गए हैं। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और चलता हूँ फ्रंट में, बात कर लेता हूँ इस कार के इंजन के बारे में।
तो दोस्तों इस कार में आपको बहुत ही सॉलिड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में। एंड ये जो यूज़ किया गया है वो है 1197 सीसी का, जो कि आता है 89 पीएस की पावर के साथ में। और जो टॉर्क जनरेट करता है वो है 113 न्यूटन मीटर के साथ में, जो कि अच्छी पावर एंड टॉर्क के साथ में प्रोड्यूस करता है इंजन को। साथ ही साथ आपको इसमें ENT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि 5 स्पीड का आता है। एंड अगर बात करें माइलेज की तो 22 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है, वो भी बेस्ट प्राइस के साथ में। ओवरऑल कार बहुत ही अच्छी है, जो कि सभी फीचर्स से लेस है। एंड इसके अंदर आपको प्रीमियमनेस भी भर के देखने को मिल जाती है, तो नो डाउट कार बहुत ही अच्छी है। आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।